अनाज का अधिक उत्पादन करने के लिए किसान आधुनिक तकनीक के साथ विभिन्न कीटनाशक व रासायनिक खाद का उपयोग कर अनाज को जहर युक्त बना देते हैं। इससे सीधा असर पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य पर हो रहा है, किंतु अब धीरे धीरे किसान जैविक खेती कर जहर मुक्त अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। गोंदिया जिले के 2000 से अधिक किसान अपने खेती में जहर मुक्त अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि विभाग ने जानकारी दी कि जिले में लगभग 2000 एकड़ पर जहर मुक्ति फसल लहला रही है, जिसमें 1,98,000 एकड़ पर धान के साथ खरीफ फसल ली जा रही है। अधिकांश किसान अनाज का अधिक उत्पादन हो इस उद्देश्य को लेकर जैविक खेती छोड़कर रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा का छिड़काव कर अनाज की बंपर पैदावार ले रहे हैं। यह किसान 2000 एकड़ पर जहर मुक्त अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। इस खेती से किसान समृद्धि अनाज की कीमत दुगनी होने से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिल रहा है। किसानों पर बेमौसम बारिश का नहीं कोई असर, बेमौसम बारिश होने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, किंतु विष मुक्त अनाज का उत्पादन लेने वाले किसानों को इसका अधिक असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिले में लगभग 2000 एकड़ पर विष मुक्त अनाज की फसल लहला रही है, जिससे जय श्री राम, चिनूर, डीआरके 2, दुगराज, हिरकानी जैसे प्रजाति के धान का समावेश है। जैविक खेती करने वाले किसानों से आह्वान किया गया है कि चावल बेचने के लिए प्रकल्प संचालक कृषि तकनीकी ज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा के पास पंजीयन करें।